एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, उत्तराखंड में पहले चरण के लिए हो चुकी है वोटिंग बंद। उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड में 5 बजे तक की वोटिंग हुई और सिर्फ अब जो पहले से लाइन में लगे हुए लोग हैं वो ही अब अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर पाएंगे, यानी कि वोट दे पाएंगे। उत्तराखंड में अब वोटिंग खत्म हो चुकी है और उत्तराखंड के परसेंटेज का मैंने 3 बजे तक का जिक्र किया, जो कि 45.53% देखने को मिला है। यह है वोटिंग परसेंटेज अभी का। राजस्थान में जहां पर 12 लोकसभा सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें, बिहार की 4 लोकसभा सीटें, छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग, छत्तीसगढ़ में हालांकि क्योंकि बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर वोटिंग बंद हो चुकी है। इसी के साथ उत्तराखंड में भी फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अब 5:01 हो चुका है और कुल मिलाकर 59 मिनट बाकी हैं। 6 बजे वोटिंग पहले चरण की बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो फाइनल परसेंटेज आता है वो देखने लायक होगा कि क्या आता है, क्योंकि मणिपुर में जहां फायरिंग की घटना देखने को मिली, 5 ऐसे बूथ थे जहां पर वोटिंग रोकी गई, बंगाल में कूचबिहार हिंसा वहां पर देखने को मिली, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 68% वोटिंग रही और उत्तराखंड में 5 बजे अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। जो बिहार के नक्सल प्रभावित इलाके हैं, शाम 4 बजे तक वहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। नागालैंड में 6 ऐसे जिले जहां पर वोटिंग 0 नजर आई है। इसके साथ ही अलग अलग जगह से जो तस्वीरें देखने को मिली हैं आपको, उससे आप ये समझ पाएंगे कि अभी भी पोलिंग बूथ के पास बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। कुल मिलाकर 21 राज्य 102 सीटों पर वोटिंग, कहीं पर वोटिंग खत्म, कहीं 6 बजे खत्म होगी। वोटिंग टर्नआउट मैंने आपको बताया।